सभी पवित्र कल्याणकारी त्रिकालदर्शी विचित्रों को गॉडली मॉर्निंग। ठहर जाए मानव, किधर जा रहे हो? शांति के लिए भटकती आत्माओं को कैसे शांति मिलेगी? क्या है रियल शांति? आज बाबा इस पर हमें समझाते हैं। ड्रामा के अंतिम सीन में हमें क्या करना है, डायरेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। और सदा योगयुक्त रहने के क्या फायदे हैं, बाबा आज ये भी इशारा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए क्या संन्यास संभव है, बाबा आज ये नई बात सिखाएंगे जो कि दुनियावी मनुष्यों की समझ से परे है। इस हर पल हलचल वाली दुनिया में कैसे अचल रहें, डबल राइट रहें, ये युक्ति भी जानेंगे। हम शूद्र से ईश्वरीय संप्रदाय में आए तो अब श्रीमत पर चलकर देवी संप्रदाय में जाना है। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2024। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने, यही है बेहद का सन्यास। ज्ञान मार्ग में आए तो हमने जाना बेहद का सन्यास। क्या है बेहद का सन्यास? बाबा कहते हैं दुख धाम का सन्यासी बेहद का सन्यास है। कैसे? मुरली में आगे सुनेंगे। प्रश्न आज का, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो। उनका है निवृत्ति मार्ग, वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते। बाबा कहते हैं तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो, लेकिन सारी दुनिया कांटों का जंगल है ये समझते हो और बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो। तो ये फर्क है और यही है बेहद का सन्यास। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, इतने वर्षों से हम बेसमझ हैं, बाबा को इसलिए रोज समझाना पड़ता है। जैसे कील को बार बार हथौड़ा लगता है तब दीवार में घुसती है ना, तो बार बार बाबा हमें ठोक ठोक कर बताते हैं कि तुम आत्मा हो। तो घुसी हमारी बुद्धि में ये बात। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असल रहने वाली भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। बाबा तो है ही ना शांति का सागर, तो सदा शांत है। आत्माएं सब असल रहने वाली शांति धाम की हैं और बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना शांति देवा, हमको शांति दो, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। शांति सागर की लहरों में लहराना है। शांति सागर के पास रहेंगे, उनमें समाए रहेंगे, तो अपने आप शांति का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बाप को याद करते करते शांति धाम में जरूर जाना है। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। एक तो है सजा खा के जाना और एक है योग बल से पवित्र बन कर जाना। तो याद करेंगे तो भी जाएंगे, नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए।
शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है, वह चीज ही मुख्य है। सब कुछ होते हुए भी सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। जीवन में बंधन अनुभव होते हैं ना, तो सबको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, जीवन में रहते हुए तुम अभी मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो, यह है जीवन मुक्ति। तो अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है। गाया भी जाता है, सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो। बाप कहते हैं, बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है। बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। सम्मान के साथ घर जाना है ना, तो याद करना है। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है। तो ये हमारी मंजिल नहीं है। ठहर जाओ, देखो, चेक करो कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है। एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। यह बना बनाया खेल है ना। यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। झूठी माया, झूठी काया, क्योंकि सब कुछ विनाशी है ना। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। क्या कह देते हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। तो आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा, ऐसा समझते हैं। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तो आत्मा बन जाती है सच्चा सोना। अभी खाद मिली है इसलिए पतित, तमो प्रधान। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर तांबे की, लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजेड। तुम सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। देखो, सोनार है वो क्या करता है, जेवर को अग्नि में डालता है। तो जो भी अपवित्रता है, जो भी खाद मिली हुई है, दूसरा कोई भी मेटल है, वो सब क्या होता है, गल जाता है और सच्चा सोना बच जाता है। तो बाबा कहते हैं, योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजेड कहा जाता है। फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। स्वर्णिम युग आ जाता है। सतो प्रधान,
पांच तत्वों से शरीर बनता है, तो सब कुछ स्वर्णिम सतो प्रधान। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है, तो गोल्डन एज सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। जिस समय जिस युग में आत्मा जैसी रहती है उस पर ही देखो युग का नाम है। इसलिए गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर और आयरन एज। और अभी बाबा हमें तराश रहे हैं तो अभी क्या है, डायमंड एज है। तो अब बच्चों को क्या करना है, पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तभी समो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं, वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एजेड जीव आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, गोल्डन एजेड आत्मा ऐसे नहीं कहेंगे। आत्मा कहाँ पर है, खाली बिना शरीर के शांति धाम में। नीचे आ गई पाठ बजाने, कोई सा भी युग हो तो उस युग के नाम से कहेंगे जीव आत्मा। तो गोल्डन एजेड आत्मा ऐसा नहीं कहेंगे, नीचे आती है तो कहेंगे गोल्डन एजेड जीव आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, नहीं गोल्डन एजेड जीव आत्मा, फिर सिल्वर एजेड जीव आत्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ आकर बहुत सुख मिल रहा है तो अब क्या करें, दुख धाम का संन्यास। जब तक दुख धाम का संन्यास नहीं करेंगे, दुख धाम से वैराग्य नहीं आएगा, सुख का अनुभव कर नहीं सकते। तो दुख धाम के संन्यास को क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन संन्यासियों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है, यह कांटों का जंगल है, कंक्रीट जंगल है। देखो सब एक दूसरे को कांटा ही चुभा रहे हैं, दुख दे रहे हैं ना, तो कांटों का जंगल है। यह है कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। वह भल संन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं और अपने अपने देखो मेंशन बना लिए हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं, सन्यासी तो आते ही बाद में हैं, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो यह झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आए सन्यास धर्म आया, बाबा कहते हैं ये झाड़ को भी याद करो, चक्र भी याद करो। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं क्योंकि खुद बीज रूप हैं, सत हैं, चैतन्य हैं। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। तो बनना है ना मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर और मास्टर शांति का सागर। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है, सदैव वह पवित्र है और निराकार है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती, कोई दुख ही नहीं है, सब सुख सुविधा है, इसलिए कोई देखो भगवान को याद ही नहीं करता। सुख में कौन से मरेगा, जब दुख होता है तो फिर पुकारते हैं, याद करते हैं। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख,
आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। देह अभिमान आते ही सब विकार चालू हो जाते हैं, जड़ है देह अभिमान। उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। खुद को देह समझेंगे तो फिर अभिमान आता है। नाम मान रूप सबका नशा चढ़ता है, विकारों में जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रकुटि के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूर्त। उस काल मूर्त आत्मा का, उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त या शरीर है। आत्मा अकाल मूर्त है ना, काल खा नहीं सकता। इसका तख्त कहाँ है? भ्रकुटि के मध्य। तो बाबा कहते हैं उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त या शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रकुटि में है, अकाल मूर्त का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। देखो याद में, इसलिए बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है, जो गुरुद्वारे में रखा हुआ है, वो अकाल तख्त नहीं, वो तो लकड़ी का है। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका अपना अपना अकाल तख्त है। सब अपने अपने अकाल तख्त पर विराजमान है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही यह मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं? जितनी आत्माएं उतने अकाल तख्त। जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा होता है। ऑर्गन्स जो है बढ़ते जाते हैं, बच्चा बड़ा होता है। यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो जो साइज बना दिया वही रहेगा। यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त यह भ्रकुटि है। कहते हैं ना आत्मा तो पूरे शरीर में व्याप्त है, शरीर में कहाँ है ये पता ही नहीं है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तख्त। कंचन काया मिलती है, पवित्र शरीर, निरोगी काया, फर्स्ट क्लास तख्त है ना, तो गोल्डन एजेड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजेड तख्त मिलता है। जैसा मटेरियल, प्रकृति भी जैसी हो जाती है, फिर वैसे ही तख्त मिलता है। जैसी आत्मा वैसा तख्त। फिर गोल्डन एजेड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी कौन सा तख्त है? फिर दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है, फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। राजाई भी करेंगे ना, देवी संप्रदाय होगा। तो पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है, फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, अभी ब्राह्मण और फिर फरिश्ता सो देवता। चाहिए ना सबको देवताई तख्त? ये टाइटल चाहिए तो फिर दिव्य गुणों की धारणा भी चाहिए। बाबा कहते हैं ये बातें दुनिया के किसी मनुष्य को नहीं मालूम है, और क्या करते रहते हैं, देह अभिमान में आकर एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है, सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य।
पुरानी दुनिया से वैराग्य, किसी से ना वैर हो ना राग हो, सबसे न्यारा बन जाए, सबसे उपराम। ऐसे भी नहीं सन्यासियों में सल घरवार छोड़ना है, नहीं, बाबा तो कहते हैं ना जिम्मेवारी अपनी निभानी है, मन बुद्धि बाबा में लगा रहे। तो बाप समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा है दूसरी तरफ बुरा है। सन्यासी जो घरवार छोड़कर चले जाते हैं, एक तरफ तो अच्छा है एक तरफ बुरा है, क्यों? पवित्र तो रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं करते ना, और सभी विकार नहीं छोड़ते हैं, अहंकार कितना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो पवित्रता फॉलो करते हैं, वो तो अच्छी बात है, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है, तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना, माउंट आबू भारत सर्वोत्तम तीर्थ। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है, विश्व गुरु है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मनाभाव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। बाबा तो देखो कितना अच्छे से हिंदी में समझाते हैं, सबको समझ में आए। बाप मन मनाभाव का अर्थ बताते हैं, अपना मन मेरे में लगा दो, मन को मना कर दो और कहीं नहीं जाए, मन मना भाव। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, देह के संबंध पदार्थ स्वभाव संस्कार सबसे उपराम होना है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, मिनिमम एक जन्म मैक्सिमम 84 जन्म। स्वर्ग में तो आ न सके, जो अभी आ रहे हैं जिनका नया पार्ट है तो वो स्वर्ग में तो आएंगे नहीं, पिछाड़ी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं, उनके लिए स्वर्ग नर्क अभी है यहाँ पे ना। सतो प्रधान सतो रजो तमो तमो प्रधान, सारी स्टेजेस से जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे, देखा है ना, लाइट जलती है बस उतने समय ही पैदा हुए और अंधकार में फिर मर जाते हैं, लाइट बंद खत्म, अंधेरा खत्म, मर गए। सुबह देखो तो एकदम होलसेल मौत, तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे सुबह को देखो तो। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी, क्या कर लेंगे थोड़े से समय के लिए आके पार्ट बजा के, जैसे जानवर मिसल ठहरे, बस पैदा हुए मर गए। तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कैसे होता है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, क्या इशारा दे रहे हैं आज बाबा, गृहस्थ व्यवहार में रहते मामी कम याद करो, 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो, याद करते करते आखिरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी, पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े, सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है, हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। तो बाबा का भी साथ है, योग बल से शक्तिशाली बनना है, बाबा के साथ रहते ही बाबा के सामने ही अपना हिसाब किताब फट से चुकतू कर लेना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं, इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, पूरे संसार की जितनी जनसंख्या है उसमें से लगभग 2/3 लोग
क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हैं, वह फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। बाकी तो आधा कल्प के बाद आना चालू होता है ना, और भारत वासी जितने सेंसिबल थे उसकी तुलना में देखो अभी कितने नॉन सेंसिबल हैं। देख रहे हैं ना भारत की हालत, भारतीयों की हालत। आश्चर्य होता है ना एक एक घटनाएं सुनकर देखकर। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डायनेस्टी का श्री कृष्ण डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन श्री कृष्ण डायनेस्टी, हाँ, क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना है। अंग्रेजों ने राज्य किया ना भारत पर, क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्होंने भारत से ही मदद मिलती है। अभी तो देखो सब भारत की तरफ ही नजरें गड़ा कर बैठे हुए हैं। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है, उन्होंने भारत से ही मदद मिलती है, और जितना लूट कर लेके गए हैं देखो अभी लौटा भी रहे हैं, भले ही लोन दे रहे हैं, और या फिर बाबा के सेंटर्स देखो कितने हैं, यूरोप में देखो कितने हैं, लंदन में कितने हैं, तो फिर सेवा कर रहे हैं, धन भी आ रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है, यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहर आदि वहाँ ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुँचाते रहते हैं, उनको मिलने का तो है नहीं, राजाई तो उनके हाथ में नहीं आएगी विश्व की, तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, कोई मानेगा ही नहीं कि हम राजा रानी बनने वाले हैं, अगर पहचानते तो आकर राय लेते, हम भगवान के बच्चे हैं, मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, यदि कोई पहचाने तो आके हम उसे राय ले। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो, लेकिन सब कुछ गुप्त है ना, तो अब तो प्रत्यक्षता का समय आया कि आया। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है, हम सो हम ही वही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य शूद्र, और फिर हम ही वही ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता। यह बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, समर सॉल्ट है, बाजोली का खेल है, इतने ऊंचे से इतने नीचे आए फिर ऊंचे बनेंगे, चक्र है ये। परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले जाती है। हम इतने दैवी गुणों वाले थे और आसुरी गुणों में आ गए, बाबा भी सिखा रहे हैं, नशा चढ़ता है और फिर से माया क्या करती है, पूरा नशा ही उतार देती है, अपने आगोश में ले लेती है। माया भुला देती है कि कौन है हम, किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए, क्या करना है, कहाँ जाना है। परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना, संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना हो, चेक करना है माया किस दरवाजे से आती है, कौन सा गेट हमने खुला छोड़ा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। स्कॉलरशिप लेने के लिए ही क्या करना है,
गृहस्थ व्यवहार में रहते 8 घंटा बाबा को याद करना है। याद से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। दूसरी बात, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। हमारा योग नहीं लगता बाबा से, क्यों? क्योंकि हलचल में आ जाते हैं। क्यों आते हैं हलचल में? क्योंकि यहाँ पे हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ये बात समझते ही नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अंगद का मिसाल है ना, अचल अडोल। तो कोई हिसाब किताब सामने आया तो मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो, अभी योद्धे नहीं बनो। परख कर दूर से ही खत्म कर दो, यानी कि वो आए और फिर उससे युद्ध करें। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर चूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, आत्मा पर, परमात्मा पर, ड्रामा पर निश्चय है। बाबा कहते हैं इस निश्चय को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर चूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। कौन है हमारे साथ? बाबा है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। बाबा को चूज कर लिया, हाँ अब उनको यूज करना है, तो माया हिला नहीं सकती। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। बाबा के साथ ही रहना है तो माया आसपास फटक भी नहीं सकती है। तो निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। बाबा से दूर चले जाते हैं तो फिर माया तो आएगी, वार करेगी, फिर युद्ध करना पड़ेगा। और बाबा के साथ हैं, एक सेकंड का भी, एक पल का भी अंतर नहीं है, एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते हैं, तो माया तो आस पास आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती है। इसको प्रैक्टिकल करके देखें, एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करें। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। मैं आत्मा, लाइट स्वरूप ज्योति बिंदु, और बाप मेरा परमात्मा ज्योतिर्बिंदु। सारी जिम्मेवारियां बाप को दे दो, खुद हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। तो क्या बताया आज बाबा ने, हद और बेहद का सन्यास। हद और बेहद का सन्यास। बेहद का सन्यास क्या है? दुख धाम का सन्यास बेहद का सन्यास है। दूसरा, जीवन बंध से जीवन मुक्त। तीसरा, नॉन सेंसिबल से सेंसिबल। और चौथा, अचल सहज योगी बनना है। और पांचवा, सदा डबल लाइट रहना है। ओम शांति। Oh,
चलता।